Good morning friends, welcome to PD Classes. Today a very important session for all those who are preparing for interviews, and this mock session is going to be very fruitful for all those RRB students. I hope that this session will be helpful to those people, those who are unable to visit, to avail telephone courses, to go with books, but definitely this free activity will be helpful to you. So my team is ready? Okay. Are you comfortable? Yes sir. Okay. सो फर्स्ट क्वेश्चन पे चाहूंगा प्रियंका आपसे कंफर्म करें आप आरआरबी के लिए आई है तो बिल्कुल प्रियंका यू कैन हैव योर क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम मैम आई एम परमजीत एंड माय नेम मींस हायर सक्सेस एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम एज आई एम ए कॉम्पिटिटिव गर्ल एंड लव टू टेक चैलेंजेस वेरी गुड यू स्टेटेड दैट यू लव टू टेक चैलेंजेस दैट्स ग्रेट तो आपने जो स्टडीज करी आज तक उसमें आपके मार्क्स स्कोरिंग कैसे है आपका सब्जेक्ट क्या रहा है आई हैव डन माय ग्रेजुएशन विद BSc, okay. Bachelor of Science. How many percentage you scored? I scored 86%. 86, that's great. Yes. Excellent marks you scored. Thank you. And what are your favorite subject? Sir, my favorite subject is chemistry. Chemistry? Yes, sir. Okay. पर अगर हम आपसे physics के question पूछे, maths के question पूछे, तो आप cover up कर देंगे? Yes, sir. That's great. Okay. आपको पूरा confidence अपने आप? Yes, sir. Archimedes law क्या होता है? Sir, Archimedes. आप नहीं बता पाएंगे? Sorry, sir. नहीं पढ़ा आपने? नहीं. चलिए और मॉल क्या होता है सर मॉल इज अ यूनिट इट इज अ यूनिट टू कैलकुलेट वेट ओके मींस आप किसी सब्सटेंस को मॉल कहेंगे मतलब उसको मॉल में कैलकुलेट कर सकते हैं जब उसका वेट क्या है 12 ग्राम के इक्वल है व्हिच इज एक्चुअली द वेट ऑफ कार्बन एटम ओके तो इसका मतलब केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से पढ़ के आई हो नो डाउट हम आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस राउंड लेंगे पर उससे पहले हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप आरबीआई के बारे में क्या जानते हैं सर आरबीआई द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री ओके आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1934 में 1934 में एक्चुअली एक्ट पास हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1935 ये हिल्टन यंग कमीशन के कहने पे एस्टेब्लिश्ड किया गया था ये हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है तो इसके बहुत सारे वर्क हैं जैसे कि मतलब बैंकर्स ऑफ बैंक यस ये मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है करेंसी नोट्स बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है लेंडर ऑफ लास्ट सोर्सेज राइट अब मुझे ये बताइए आप आरआरबी के लिए आए हैं तो जरूर आप आरआरबी का भी नॉलेज रखते होंगे यस सर तो मुझे बताइए आरआरबी के बारे में आप क्या जानते हैं सर आरआरबी स्टैंड फॉर रीजनल रूरल बैंक एज इट्स नेम स्टेट इट इज अ रूरल बैंक So it is established in rural, semi-urban and some urban areas. हम आपसे request करेंगे कि आप हमें RRB के बारे में थोड़ा हिंदी में बताइए तो क्या possible है आपके लिए Yes sir. Try कीजिए Sir, जो पहला RRB था वो मुरादाबाद यूपी में खोला गया था okay. और इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक गुड इसका स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक और उस टाइम पे इसके ऑथराइज कैपिटल थी 5 करोड़ बट अगर आज आप कोई बैंक खोलना चाहते हो RRB तो उसके लिए जो ऑथराइज कैपिटल है वो 2000 करोड़ है जो फर्स्ट आरआरबी था ये 1976 में ओपन किया गया था एंड आरआरबी एक्ट 1976 में पास हुआ था ओके इसके अलावा आरआरबी में शेयर्स होती हैं सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक और स्पॉन्सर बैंक के जो सेंट्रल बैंक है उसका शेयर होता है 65% ओके मुझे ये बताइए परमजीत हमारे पास बहुत सी गर्ल्स आई है जो साइंस की है yes, और आप तो बीएससी हो हमारे पास एमएससी गर्ल्स भी यही है yes, जो वेट कर रही है इस जॉब के लिए इस इंटरव्यू के लिए yes, तो आप बताइए हम आपको क्यों सिलेक्ट करें आपको नहीं लगता कि हमें मास्टर्स वाली गर्ल को सिलेक्ट करना चाहिए उनको ज्यादा नॉलेज होगा सर एट प्रेजेंट टाइम आई कांट कंपेयर माय सेल्फ विद देम वो आर स्टैंडिंग लाइक मी इन अ क्यू ओके बट आई कैन इंश्योर यू अबाउट माय सेल्फ दैट आई एम अ डिटरमिंड गर्ल एंड इफ यू गिव मी अ चांस I show you just selection and by working sincerely. Okay, यानी कि आप sincerely work करके cover up कर लेंगे. Yes sir. Very good. आप अच्छे से जानते हैं banking sector के अंदर it is not a bed of roses. आपको बहुत work करना होता है. Yes right? sir. Right, प्रियंका. बहुत activity करनी होती है. ऐसा नहीं है कि बहुत easy काम है ये. Yes sir. IBPS के बारे में आपके क्या विचार हैं? IBPS. IBPS stand for Institution of Banking Personnel Selection. Okay. ये 1975 में established हुआ था. एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन है हरदीश कुमार बी ओके ये इसका पर्पस क्या है ये बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट करवाता है right. जो जैसे कि अब आरआरबी का एग्जाम है इसके आगे आईबीपीएस के एग्जाम ये सारे एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है ओके गुड मींस आपको अच्छा नॉलेज है आप इसको और कवर अप करिए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा चलिए मुझे बताइए एक बैंक क्लर्क का जॉब क्या है
सर, बैंक क्लर्क एक सेंटर पॉइंट है कि जो इंटरेक्ट करता है कस्टमर के साथ. यस. इसके अलावा वो कस्टमर की सारी मतलब जो भी उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लाइक चेक्स एंड ऑल दिस है वो एक क्लर्क करता है. इसके अलावा एट द एंड ऑफ डे वो सारी की सारी मतलब अपना चेक करता है कि आज की जो कैश फ्लो हुआ है एंड उसकी रिपोर्ट तैयार करके मतलब अपने. चलिए अब मुझे बताइए कि पीओ का जॉब क्या है. सर, पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर. यस. वो अपने जूनियर्स के लिए रोल मॉडल एक्ट करता है. ओके. ही शुड हैव टू मेक हिमसेल्फ परफेक्ट ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग पीरियड इन ऑल द बैंकिंग टर्म्स राइट लाइक मैनेजमेंट लोन पासिंग. These are the works of a PO. Okay. He also has to report to his seniors about the working of the bank. Okay. और कुछ क्यों ऐसे फील्ड जिसके अंदर उसको अपने आप को अपग्रेड रखना हो? He has to upgrade himself in banking, billing, management. Okay, wonderful. चलिए आपने मुझे भी कहा था कि मैं केमिस्ट्री में बहुत वेल वर्स्ड हूँ, तो मुझे आप बता सकते हैं कि मोलैलिटी क्या होता है? सर, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ओके. एंड टाइट्रेशन? टाइट्रेशन इट इज बेसिकली वे टू फाइंड मोलैलिटी ऑफ एसिड एंड बेस. ओके. एंड बफर मींस व्हाट? बफर इज अ पीएच स्टेबल सॉल्यूशन एंड व्हेन वी चेंज एड इन इट एसिड और बेस इट्स पीएच इज हार्डली चेंज्ड. ओके. व्हाइल आंसरिंग योर वॉइस इज वेरी स्लो व्हिच विल पुट अ बेटर नॉट गुड इंप्रेशन इन द इंटरव्यूज. So you should be always ready that my voice should be quite capable enough to impress others. Fractionization and distillation mein kya difference hai? Sir, fractionization and distillation, these both are matter to separate liquids. Okay. But distillation is used when the that two liquids are mixed that are have very much difference in their boiling point. Mein bhi difference? Boiling point mein much difference hona chahiye, but fractionization is used when there is a little bit difference between their boiling point. Very good. मैं प्रियंका को चांस दूंगा. प्रियंका, यू कैन हैव एनी क्वेश्चन इन द मिड. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? मैम, एज फार एज माय स्ट्रेंथ्स आर कंसर्न, आई एम एन ऑनेस्ट, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग गर्ल. वेरी गुड. सिंस मेरे पास केमिस्ट्री की बहुत से क्वेश्चंस हैं आज आपके लिए, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है? सर, एवोगाड्रो लॉ एक्चुअली आई डोंट. नॉट वरी, यू कैन कवर अप, आप बाद में कर लेना. ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप फर्क जानते हैं? यस सर. बताइए. ऑक्सीडेशन मीन्स जब कोई एक एलिमेंट है वो या तो मतलब ऑक्सीजन टेक कर रहा है या हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन. एंड रिडक्शन, रिडक्शन में क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है या गेन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो रिडक्शन शो. ओके. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच मोस्टली स्टडी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड, ऑल ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अदर ऑल एलिमेंट्स आर स्टडी एंड कंपाउंड्स आर स्टडी. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? फर्स्ट इज यूरिया. ओके. क्वांटम नंबर्स के बारे में क्या जानते हैं आप? सर, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर? मर्करी. वेरी गुड. फॉर्मूला? फॉर्मूला Hg. ओके. एंड फॉर विच नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री इज गिवन इन 2019? एक्चुअली इज दिस ईयर 3 साइंटिस्ट गॉट दिस प्राइज एंड दे हैव फाइंड लिथियम बैटरी विच विल बी यूजफुल फॉर मेनी पर्पसेस. ओके. हु गॉट नोबेल प्राइज इन 2019? There are 3 persons as I Akira Johnshina, Willington and Good Enough. Okay. Number of elements known today, अब तक कितने elements के बारे में मालूम चल? 108 elements are known today. Okay. और periodic table किसने invent की थी? Periodic table is invented by Mendeleev. But at present जो periodic table है वो Mendeleev का periodic table नहीं follow होता है. But सबसे पहले invention Mendeleev ने ही की थी periodic table की. Okay. Best conductor of electricity? Silver. Okay. Who is the king of chemistry? It is sulfuric acid. The formula is H2SO4. It is okay. Also the hardest acid of the chemistry. आप इतना अच्छा knowledge रखती हैं, फिर आप teacher क्यों नहीं बनी? Sir, teaching it is also a good job because we all are sitting here due to our teachers. Okay. But I feel that I am more comfortable in this job and if I go for this job, I can do much better. ओके. आपको मालूम है बैंकिंग जॉब इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. यस सर. एज अ पीओ स्पेशली. यस सर. सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? सर, आई कैन डू इट. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आल्सो बीएस इज नॉट एन इजी टास्क. ओके. एंड व्हाट इज द किंग ऑफ केमिस्ट्री? हु इज द किंग ऑफ केमिस्ट्री? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. ओके. फॉर्मूला H2SO4. H2SO4.
ओके, पेट्रोल का फॉर्मूला बताइए. CnH2n+2. ओके, कैटलिस्ट क्या होता है? सर, कैटलिस्ट इज एन एक्स्ट्रा सब्सटेंस एड इन अ रिएक्शन व्हिच कैन एनहांस एंड सम टाइम इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, मोस्टली इट इज यूज्ड टू एनहांस द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, बट सम टाइम इफ वी जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्स्ट्रा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देन कैटलिस्ट इज यूज्ड टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. जर्मन सिल्वर से आप क्या समझते हैं? सर, जर्मन सिल्वर इट इज आल्सो नोन एज निकल सिल्वर. इसमें 60% तक निकल पाया जाता है. ओके, कैन यू टेल मी अबाउट इन्फ्लेशन? सर, इन्फ्लेशन द इंक्रीज इन मनी प्राइस ऑफ आवर गुड्स एंड सर्विस, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के कई स्टेजेस होती हैं, कई टाइप्स होती हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम आर डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कैश इन्फ्लेशन. डिमांड मीन्स किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो रही है, मीन्स उतनी है नहीं मार्केट में लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा है तो ऑफकोर्स जो सेलर है वो उसका प्राइस इंक्रीज करेगा. एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन मतलब किस पे कॉस्ट ही इंक्रीज हो रही है. मान लो मेरे की बिस्किट की फैक्ट्री थी, पहले मेरे को वीट आ रहा था 10 रुपीज़ पर केजी, अब मेरे को वीट आ रहा है 20% केजी, 20 पर केजी. अब मेरी कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो ऑफकोर्स मैं पहले वाले रेट पे तो नहीं बेचूंगी, तो ऑफकोर्स मैं इंक्रीज करूंगी, दैट इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन. मनी मार्केट से आप क्या समझते हैं? सर, मनी मार्केट एक्चुअली मार्केट इज द प्लेस वेयर वी कैन बाय और सेल, बट इन केस ऑफ मनी हाउ मनी कैन बी बाय और सेल. ऑल्सो इन दिस केस देयर आर बोरोअर्स एंड लेंडर्स. मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आर टू टर्म्स इन विच डिफरेंस दैट मनी मार्केट इज दैट इन विच वी कैन टेक लोन फॉर लेस देन वन ईयर, एंड इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट वी टेक लोन फॉर मोर देन वन ईयर. बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं? सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये थ्री पार्टी मतलब एक्शन होता है. मीन्स मान लो मैंने आपको पैसे दिए थे, मैं आपसे वापस पैसे मांगती हूँ, तो आप मेरे को कहते हो कि मैंने पैसे मैम को दिए हैं, आप उससे ले लो. राइट, बट आई से टू ये कि मैं कैसे मैम से ले लूँ जब मैं उन्हें जानती नहीं. yes. तो आपने मुझे कहोगे कि मैंने आपको एक पेपर लिख के दिया था. okay. जब मैंने आपको पैसे दिए थे, आप उसी पेपर पे चेंज करके यह लिख देती हो डेट मैम जो पैसे मैंने आपको दिए थे वो आप परमजीत को पे कर दो. दैट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज. दैट पेपर इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज. वंडरफुल. एंड प्रॉमिसरी नोट्स? सर, प्रॉमिसरी नोट ये 2% की एक्टिविटी है. ओके, सेम केस ही होता है. मीन्स मैंने आपसे पैसे लिए, okay. आप मेरे को कहोगे कि मेरे को अभी चाहिए पैसे. right. मीन्स आप मेरे को दे दो, तो मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे को इतने टाइम पर कितने रिटर्न करोगे. ऑफ कोर्स देयर शुड बी इंटरेस्ट, देन व्हाई अदरवाइज नॉट व्हाई आई गिव यू मनी. ऑफ कोर्स. देन आई से टू ये कि हाउ कैन आई बिलीव यू, अगर आप मेरे पैसे लेके भाग जाओ तो. ओके, देन यू कैन टेक ए पेपर and write on it, I am promised to pay this amount at that time to Paramjit. That note is known as promissory note, and the speciality in it is that it on it time and price is always mentioned. Very good. Budgets कितने types का होता है? Budget is mainly of 4 types. Balanced budget, जिसमें मतलब जो expenditure है एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट और जो उसकी इनकम हो रही है दोनों इक्वल हो. बट ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, अपनी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है. अनबैलेंस बजट होता है. अनबैलेंस बजट की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं. मींस एक जो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो इनकम से, और दूसरा होता है जब इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर से. इसके अलावा होता है इंटरिम बजट. इंटरिम बजट कब आता है कि मींस इस साल जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन मई में होना था लेकिन बजट फेब में आ जाता है, तो जो फेब से मई के पीरियड के लिए बजट आता है दैट इज एंटायरिम बजट. एंड लास्ट वन इज जेंडर बजट टाइप, दैट इज मोस्टली फॉर वुमेन्स. टर्म डिपॉजिट वर्ड से आप क्या समझते हैं? टर्म डिपॉजिट एक फिक्स टर्म के लिए मीन्स डिपॉजिट करवाना. ओके, टर्म और डिमांड में फर्क क्या है? टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट मींस टर्म डिपॉजिट में मैंने ऑल दिस कम्स इन टर्म डिपॉजिट. और डिमांड व्हेनेवर यू नीड, आप कभी भी डिमांड करें तो आप अपना पैसा डिमांड में जब भी आप कहेंगे हमें निकलवाना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट अगर मैं अपने टाइम से पहले पैसा निकलवाती हूं तो मेरे को उसके लिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. वेरी गुड. ट्रेजरी बिल सुने आपने? यस सर. बताइए सर. एज आई टेल यू अबाउट द प्रोमिसरी नोट, यस, इन दैट केस वी आर टू सिंपल पर्संस, बट इफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट लोन
देन इट इज़ कॉल्ड दैट द गवर्नमेंट, मतलब अगर वो प्रमिजरी नोट निकाले तो उस नोट को ट्रेजरी बिल कहा जाएगा. Okay. इसमें ये है कि ये एक प्रमिजरी नोट है, ये डिस्काउंटेड होता है. मीन्स अगर गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ऑफकोर्स उसकी रेपुटेशन डाउन होगी अगर वो ये कहेगी. Right. तो वो ये कहती है कि हम अपने लोगों के लिए डिस्काउंट पे कुछ सिक्योरिटीज दे के आएंगे. Right, right, right. मतलब अगर आप इतने टाइम बाद, हम आपको इसका ज्यादा पे करेंगे. Right. हमने अभी तक आईपीओ सुना है, एफपीओ सुना है, पीपीओ वर्ड क्या चीज होती है? ओके, तो गो थ्रू इट, आप चेक करना. राइट इशू से आप क्या समझते हैं सर? राइट इशू शेयर्स, जैसे कि अपा ने सुने हैं, मतलब शेयर्स जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो इनको आईपीओ कहा जाता है. आईपीओ कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. राइट. जब वही कंपनी दोबारा शेयर लेकर आती है तो उसे एफपीओ कहा जाता है. लेकिन आफ्टर दैट वो कंपनी शेयर्स लेके आ रही है, लेकिन वो कह रही है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जिनके पास पहले से हमारे शेयर हैं. देन इट इज कॉल्ड राइट इश्यूज. ओके, वेरी गुड. और कमर्शियल से आप क्या समझते हैं? कमर्शियल बिल्स भी एक तरह का प्रमिसरी नोट है, बट जब कंपनीज निकालती हैं वो इस तरह की सिक्योरिटीज तो वो कमर्शियल बिल कहा जाता है. ओके, सरफासी एक्ट सुने आपने? यस सर. ये कब लागू होता है? ये तब लागू होता है जब मतलब एनपीए हो जाए किसी की. ओके. एनपीए तो मतलब अपन किसी के लोन को कहेंगे आफ्टर 3 months. ओके. 90 days पीरियड. राइट राइट. एंड उसके बाद उसकी टाइप्स आती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लोस. जब कोई असेट्स लोस कैटेगरी में आ जाता है तो उसके बाद क्या मतलब ऑडिटर क्या करते हैं कि उसकी नीलामी करते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू सरफासी एक्ट होता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि मतलब बैंक क्या करता है, प्रॉपर्टी सील कर देता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है और उसकी बिडिंग करता है, और अपना मतलब जो उसने लोन दिया था वो अमाउंट वापस लेता है. वेरी गुड. मैंने आपसे बहुत घुमाकर भी बातें करी. मैंने आपको बोला पीपीओ, तो एक्चुअली पीपीओ नहीं होता कुछ भी. मैंने आपसे मॉलिंग बोला, ये भी नहीं होता जो आपको नहीं पता था. इवन आपसे जो मैंने केमिस्ट्री के बहुत से टफ क्वेश्चंस में लेकर आया था वो सब आपने कवर अप किए. और कभी कभी इंटरव्यू बहुत ट्रिकी होता है, वो कुछ भी नई बात आपसे पूछ लें तो आप तैयार रहना इस चीज़ के लिए. राइट. एक्चुअली मैं आपके हिसाब से, या मैं ये कहूँ आपने जो भी पढ़ा हो, बैंकिंग का वर्क क्या है? बैंक का वर्क क्या होता है? ऑर्डिनरी बैंक, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ आरआरबीज ओनली, ऑर्डिनरी बैंक का, कमर्शियल बैंक का वर्क अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो जमाएं लेता है और लोन देता है. ओके. इसके अलावा मीन्स बहुत सारे काम, जैसे कि बैंकिंग पे देना आजकल वो भी बैंक में होता है. Okay. डेबिट कार्ड देना, क्रेडिट कार्ड देना. राइट. दिस ऑल आर द वर्क्स. ओके. आपको लॉकर्स वगैरह नहीं देता बैंक? हां, लॉकर्स भी प्रोवाइड करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, यू शुड हैव दोस वर्ड्स. ओके. ऑल्दो यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से किया है. आप फाजिल्का से बिलोंग करती हैं? आप फाजिल्का के अंदर कौन कौन सी तहसील आती है? फाजिल्का अबोहर एंड जलालाबाद. ओके, और सब तहसील्स की? सब तहसील सीतो गुन्नो, खुइया सरवर एंड अरनी वाला. ओके, आप कैसा फील कर रही है पीडी क्लासेस पर? इट इज वेरी मच नाइस. ओके, हार्डली आपको टू डेज थ्री डेज हुए हैं तो आपको कवरिंग कैसी लग रही है अभी तक की? बहुत अच्छी लग रही है. यहाँ आने से पहले मेरे को डाउट था कि मतलब सेवन डेज में कैसा होगा, लेकिन अब नाउ आई एम डेड श्योर दैट आई विल कवर इन सेवन डेज. कल अगर आपने इंटरव्यू लिया था एक गर्ल का, वो वाज फ्रॉम गुड़गांव. यस, शिवानी. तो उनका कॉन्फिडें
चेक करिएगा लिटरेसी रेट और आपकी ये एमपी कौन चल रहे हैं अभी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कबीर सिंह बादल. ओके वेरी गुड, यानी कि आपने नॉलेज में कोई कमी नहीं छोड़ी. yes. मैंने आपसे जो भी क्वेश्चंस कवर अप किए आपने अपनी तरफ से पूरी ट्रायल अप किया राइट. yes, मैंने जब इनिशियली आपसे बोला था केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे तो भी आपने शुरुआती अच्छा दौर रखा, बस हार्डली एक दो क्वेश्चन थे जो आप फ्लक्चुएट हुए थोड़ा सा आपको रुके, अदरवाइज योर लेवल ऑफ इंग्लिश इज रियली गुड एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. अगर वो आपको बाइलिंगुअल बोले तो आप इजीली कवर अप कर लेना. रूरल आपको मालूम है आपको किस तरीके के लोगों से डील अप करना है, किसी के बैंक के अंदर आप जा रहे हो तो आप इजीली कंफर्ट हो हर लैंग्वेज से. यस सर. वेरी गुड, तो आई होप शी हैज गिवन अ बेस्ट इंटरव्यू. इट्स राइट टाइम टू गिव हर ब्लेसिंग्स आल्सो, सो डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड, आवर प्रॉमिस टू यू. थैंक यू.